हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम क्लास एलेंथ के लिए टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी ठीक है बहुत ही आसान है देखिए काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड हैज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी या हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ठीक है तो इट इज डिफाइंड हैज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी तभी गेन करता है जब वो मोशन में होता है ठीक है तो इट इज डिफाइंड हैज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर सकता है जब वो मोशन में होगा और जब बॉडी मोशन में होगा तब वो कौन सी एनर्जी गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जाम्पल ए बुलेट फाइड ऑन ए लॉग ऑफ वुड कैन मेक ए होल इन इट हैंस द बुलेट प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में स्टोन है हम उसको थ्रो करेंगे किसी भी वॉल के ऊपर थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे उस वॉल के ऊपर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो आपके पास स्टोन होगा उसके ऊपर जो आपने फोर्स लगाया वो बहुत कम है और उसकी वजह से उस स्टोन के अंदर जो मोशन होगा वो भी कम होगा तो उसकी वजह से वो एनर्जी भी गेन करेगा लेकिन बहुत कम करेगा लेकिन अगर आप किसी गन से फायर करते हैं बुलेट को फायर करते हैं तो वो जो बुलेट होगा वो हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट होगा उसकी वजह से वो बुलेट जो है वो काफ़ी एनर्जी गेन करेगा और जैसे वो किसी चीज़ को हिट करेगा जैसे ऑफ़ फूड को हिट करेगा तो उसमें होल हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू इट्स मोशन ठीक है क्योंकि वो मोशन में होगा और वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी को एक्वायर करेगा सो लेट्स प्रूव तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना M, तो मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट तो एफ एफ हमारे पास होगा कि हमने इस बॉडी के ऊपर कितना अप्लाइड फोर्स लगाया उसके बाद ए हमारे पास एक्सलरेशन होगा कि जब आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया उसके बाद उसमें कितना एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ और वी आपके पास वेलोसिटी होगा वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन मूविंग थ्रू डिस्टेंस एस ठीक है तो वी होगा वेलोसिटी जब आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया उसके बाद उसने एस डिस्टेंस एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी तो वी नो दैट वी स्क्यर माइनस यू स्केयर इज टू तो एस इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर स्टार्टिंग की बात करें तो हमारा जो बॉडी था वो रेस्ट पर था और उसकी वेर यू इज फाइनल फोर्स नहीं लगाया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो तो वी स्क्र माइनस यू की जगह जीरो करेंगे तो जीरो का स्क्वायर इज कल टू टू एस नाव वी टू टू एस तो यहां से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं तो ए इज टू वी स्क्स ठीक है इसको मानेगे फर्स्ट इक्वेशन तो वी नो

सेकंड इक्वेशन लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है तो वो है वी स्क्वेयर बाय एस, तो आप यहां पे पुट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी तो, S. S S तो, 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 तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा वन बाई टू एम स्क्र तो आप ऐसे भी कह सकते हैं किस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है इज इक्वल टू द हाफ किसका हाफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एंड सुकेयर ऑफ इट्स विलोसिटी ऑफ द बॉडी ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है ऐसा सूनिट रोल होता है और इसका जो सीजियस यूनिट होगा वो अर्ज होगा थैंक यू